हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा बताऊंगी, जिसमें पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है, पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी पर्याय है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कुरेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, जिस पर दौड़ते हुए वह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में यह दौड़ का मैदान है, जिस पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित है, पहली प्राचीन या संकुचित और दूसरी आधुनिक या वास्तविक या व्यापक। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है, परंतु विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह सभी अनुभव आ जाते हैं जिन्हें एक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। अतः हम इसे अध्ययन का एक क्रम कह सकते हैं, जिसके अनुरूप चलकर छात्र ज्ञान अर्जित करता है तथा अपना विकास करता है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी या शिक्षक के जीवन में पाठ्यक्रम का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही वह माध्यम है, वह जरिया है, जिसके द्वारा चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो, अपने लक्ष्य की ओर गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें से मुनरो ने कहा है, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में सब क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिनका शिक्षा के उद्देश्यों जिनका शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं, विद्यालय में उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह हुआ, उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम में सब क्रियाएं सम्मिलित है जिनका शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यानी पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे शैक्षिक हो, वो सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम के जरिए सम्मिलित की गई है, जिनका विद्यालय में उपयोग कर उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा, कलिंगम कनिंगम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के
हाथ में एक साधन है, एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। विद्यालय में ढाल सके अर्थात उन्होंने ये कहा है कि पाठ्यक्रम यानी शिक्षक के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में पाठ्यक्रम के अनुसार उनको ढालता है। यानी जैसे चित्रकार अपने चित्र के माध्यम से उन सारी भावनाओं को प्रकट करता, उसी तरह से पाठ्यक्रम एक ऐसा हथियार है शिक्षक के लिए जो विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों को और अग्रसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसके आगे हम कल शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के महत्व को समझेंगे।